The end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, making think account number. That's that shit that's never getting bounced on. Yeah, check through the money, that's I just made a honey best. When the stars they sign for it, I'ma need my autograph. और टूट जाती है। अच्छा, मुझे समझा रही हो, तुम क्यों नहीं कर लेती जी मेरे से दोस्ती? हाँ,
से जानते हो कि वो कितने ज्यादा कमजोर दिल के होते हैं, और अगर इसमें उन्हें कोई सदमा लग जाए तो उनके दिल पे क्या बीतती है, और किसी किसी की तो जान भी चली जाती है। जैसे बौगा मंगल की गई थी, इसलिए शायद वो दोनों कुछ ज्यादा ही डर गए हैं, इसलिए जिम्मे ने इतना रिएक्ट किया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। वो तो बहुत शांत लड़की है, और शायद अगर जिम्मे की जगह मैं भी होती तो यही करती। ताए, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि शायद मैंने गलत कर दिया, जिमिन को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। मुझे लगा कि वो हम दोनों में लड़ाई लगवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। यही तो अच्छी बात है कि हमें सब समझ में आ गया, अब हमें उन्हें सॉरी बोल देना चाहिए क्योंकि गलती हमारी ही थी। देखो, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, लेकिन कर भी कह सकते हैं, मुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा, मुझे अपना दोस्त वापस चाहिए। ओके, तो चलो अब हम लोग उन्हें सॉरी बोल देते हैं, उसके बाद ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। फिर उसके बाद ताई को किनमिन से सॉरी बोलने के लिए चले जाते हैं। जिमिन से बोला था मैंने कि लेट मत करना, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे देखना ही पड़ेगा वो कहाँ चली गई, हमें ऑफिस भी जाना है, समझती क्यों नहीं। इतना बोलकर युंगी कॉलेज से बाहर कार के पास आ जाता है। यहाँ पर तो जिमिन कहीं नहीं है, जिमिन को तो यहीं पर होना चाहिए, वो तो अपना फोन लेने आई थी, इसका फोन भी यहीं पर पड़ा है। कहाँ चली गई जिमिन, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, अब आसपास भी नहीं दिख रही, क्या कॉलेज में ही रह गई, लेकिन कॉलेज में होती तो मुझे मिलती जरूर। हेलो जिमिन, तुम हो क्या? ओहो युंगी, जिमिन के बाहर भी एक दुनिया है, तुम उसमें तो देख लो, और इस दुनिया में है तुम्हारा प्यारा दोस्त और तुम्हारा प्यारा कजन। क्या बकवास कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो, और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? मैं इस टाइम बहुत बिजी हूँ, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। अरे नहीं, कॉल कट मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिमिन नहीं मिल रही क्या? उफ, भाभी नहीं मिल रही क्या? एक मिनट, तुम्हें किसे बता? अरे युंगी, तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। इनफैक्ट तुम मुझे लगभग ढूंढ ही चुके हो, बस मेरा नाम नहीं जानते थे। देख, तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी बात करनी होगी बाद में कर लेना, अभी मैं कॉल कट करने जा रहा हूँ। ना, ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारी वाइफ की सीधा लाशी मिलेगी तुम्हें। दिमाग खराब है तेरा, क्या बोल रहा है? लेकिन तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मेरे सामने होता ना तो मैं तुझे मार ही डालता। देखो, मैंने बहुत बातों को घुमा लिया, अब सीधा पॉइंट आता, तुम जिसे इतने हफ्तों से ढूंढ रहे हो, इनफैक्ट इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, मैं वही हूँ, बैड गैंग का चौथा मेंबर, इनफैक्ट उस ग्रुप का लीडर। तू है उस गैंग का चौथा मेंबर? ये तो सच बोल रहा है ना, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? साले, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जिमिन के साथ ऐसा किया है कि वो हमेशा के लिए एकदम डरपोक और एक बी की बिल्ली बनकर रह गई है। क्या हुआ, गुस्सा है? अच्छा ठीक है, तो अगर गुस्सा ही उतारना है ना तो यहाँ पर आ जा, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तो वहीं पर आ जा, तेरी जिमिन तुझे वहीं पर मिल जाएगी। देख देख, मैं इसको कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, और ये सांप मेरे घर में पल रहा था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, फिलहाल तो मुझे जिमिन को ढूंढना होगा। इसके बाद युंगी ब्राइड के बताए हुए एड्रेस पे चला जाता है। हाँ, इसको क्या हो गया, ये इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे लगता है कोई तो बात है, मुझे इसके पीछे जाना होगा। जंगकुक रुको, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, मैं भी जिमिन से सॉरी बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि युंगी जिमिन के पास जा रहा है। ओके ठीक है, बैठो कार में, चलो चलते हैं।
कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उनका दिल जीतने की। वो मुझे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। जाओ।